हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका वेलकम है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस में। इस वीडियो के माध्यम से शुरुआत कर रहे हैं एक नए चैप्टर की, जिसका नाम है कंपनियों का एकीकरण का लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर एमलगमेशन ऑफ कंपनी। आपको जितना भी मैं टॉपिक बताऊंगा, आप यदि अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो अपनी कॉपी में नोट करिएगा, नहीं पढ़ना चाहते हैं तब भी आप सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आपको अपनी कॉपी में लिखना है कंपनियों का एकीकरण, इंग्लिश में अमलगमेशन ऑफ कंपनी, हिंदी में कंपनियों का एकीकरण, इंग्लिश में अमलगमेशन ऑफ कंपनी। आपको बताना चाहते हैं सबसे पहले एकीकरण किसे कहते हैं, अमल गमेशन एकीकरण किसे कहा जाता है। हेडिंग ध्यान दीजिएगा, एमल गमेशन का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से अधिक कंपनियां, टू और मोर कंपनी मिलकर के एक नई कंपनी एस्टेब्लिशमेंट कर लेती हैं, एक नई कंपनी की स्थापना कर लेती हैं, ऐसे स्थिति को एमलगमेशन कहा जाता है, एकीकरण कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, टू और मोर कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड कंपनी है, ए लिमिटेड कंपनी है और बी लिमिटेड कंपनी है, दोनों अलग अलग चल रही थी, बाद में मिलकर के एक न्यू कंपनी बन गई सी मिली लिमिटेड, तो इसे बोला जाता है एमलगमेशन। टू और मोर कंपनी, दो या दो से अधिक कंपनी अलग अलग थी, बाद में मिलकर के एक नई कंपनी की स्थापना कर ले तो उसे अमलगमेशन कहा जाता है। देखो, दो ए भी समाप्त हो जाएगी, ए भी समाप्त हो जाएगी, कौन बचेगी, नई कंपनी कौन आ जाएगी, सी कंपनी आ जाएगी। जैसे हाल फिलहाल में हमारा वोडाफोन एवं आइडिया, जिसका हम सिम इतना ज़्यादा यूज करते हैं कि बहुत मज़ा आता है इसकी सिम को यूज करने में, ठीक है, वी आई का सिम आ गया। वी का मतलब वोडाफोन, आई का मतलब आइडिया। रात में 12 बजे से 6 बजे तक अनलिमिटेड यूज करो, समझ रहे हैं, जो हम यूट्यूब पर वीडियो बना बना के अपलोड करते रहते हैं, बहुत सारी वीडियो बनाते हैं, दिन भर में कम से कम 10-15 वीडियो तो बनती हैं, वो भी 10-10-20-20 मिनट की, क्योंकि दिन भर यही हमारा काम है। तो इसी वीड वोडाफोन का काम करते हैं, वोडाफोन सिम मैंने लिया है और 4-4 सिम है हमारे पास, बहरहाल वो पर्सनल बात है, 4 सिम है, 3 सिम है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पहले वोडा अलग थी, अलग थी कि नहीं, और आइडिया भी अलग थी। इसका कलर लाल था, इसका कलर पीला था। वी में देखो लाल रहता है, आई में लाल रहता है, लेकिन ये बिंदिया जो होती है ये पीला रहता है, रहता है कि नहीं, याद रखनागा, बाद में बदल जाए तो बात अलग है। वोडाफोन अलग चल रही थी, आइडिया अलग चल रही थी, जियो आ गई, पहले फ्री में बांटा, फिर एयरटेल का ज़्यादा तेज, ज़्यादा फास्ट नेटवर्क होने के कारण एयरटेल भी मार्केट में रही, तो ये दोनों अलग अलग पीछे जा रही थी, ये दोनों कंपनियाँ क्या हो गई, एक हो गई। अब बाद में इन्होंने वी आई की स्थापना कर दी, आपको वोडा कहीं नहीं देखेगा, आइडिया कहीं नहीं देखा का, वी आई
कहते हैं वीआई का सिम ना। वास्तव में हमारे यहां बहुत तेज नेटवर्क है इसका, ठीक है, नहीं अब वीआई का सिम चल रहा है ना, ठीक है। तो इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा जो समझना है, बाकी आगे चलते हैं। आपको शम विलियन के बारे में पता होना चाहिए। शम विलियन में एब्जॉर्प्शन, TION, ABSORPTION, एब्जॉर्वेशन, इसका मतलब क्या होता है? इसमें जैसे आपको मैंने बताया, वोडाफोन अलग थी, आइडिया अलग थी, नई कंपनी आ गई VI, ए कंपनी अलग थी, बी कंपनी अलग थी, नई कंपनी आ गई C। तो यहां पर ऐसा नहीं होता, यहां पर एक कंपनी दूसरी कंपनी को अपने में एब्जॉर्ब कर लेती है, मिला लेती है, समझ रहे हैं? इसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी को मिला लेती है, नई कंपनी नहीं होती। इसे संविलियन कहा जाता है, एब्जॉर्बेशन कहा जाता है, एब्जॉर्ब करना कहा जाता है। जैसे ए कंपनी है, बी कंपनी है, ए कंपनी बी को अपने में मिला लेगी, इसे क्या बोला जाएगा? एब्जॉर्बेशन, संविलियन बोला जाता है, ठीक है। रिकॉन्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण, रिकॉन्ट्रक्शन, रिकॉन्ट्रक्शन का मतलब होता है पुनर्निर्माण का मतलब क्या होता है? ऐसी कंपनी जब एक कंपनी चल रही हो, जैसे हमारी कंपनी चल रही है, डगमग डगमग कर रही है, हमारी कंपनी घाटे में जाए, तो मैंने एक दिन पढ़ाया था, बहुत पहले ही आप वही बता रहे थे हमको कि सर जी आपने पढ़ाया है, एक उसमें होता है इंटरनल रिकॉन्ट्रक्शन, एक्सटर्नल, आंतरिक पुनर्निर्माण, बाह्य पुनर्निर्माण। आंतरिक में क्या होता है? एक कंपनी दूसरी कंपनी को नहीं, एक कंपनी चल रही है, उसकी स्थिति खराब हो गई, फिर वो नई कंपनी, जैसे आरके मौर्या कॉमर्स क्लासेस हमारी कोचिंग का नाम है, हमारी स्थिति खराब हो जाए तो हम क्या कर दें? न्यू आरके मौर्या, कोई नाम बदल दें ना। इंटरनल, रास्ते में जा रहे थे, खुद गिर पड़े, खुद खड़े होकर चलने लगे ना, लंगड़ाते लुंगड़ाते फिर सीधा साधा हो जाए, उसे बोलते हैं इंटरनल, अपने आप से कंपनी को फिर से नए उसमें लाना, नए रंग में रंगना ना। तो ये अलग अलग चैप्टर हैं मेरे भाई। तो आपको हम यहाँ पर तीन चीज़ों के बारे में बताए हैं। तो आपको सबसे पहले एमलगमेशन की डिफिनेशन बताएंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक बताएंगे। आप पूरी क्लास यदि कोई स्टूडेंट पढ़ता है, दावा और गारंटी लेता हूँ, लेकिन जब पढ़ता ही नहीं है तो कौन सी गारंटी, कौन सा दावा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको शुरुआत करते हैं, डिफिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताएंगे। आपको ध्यान देना है, इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में लिखा है। इंग्लिश में थोड़ा बड़ा दिख रहा है, हिंदी में थोड़ा छोटा दिख रहा है, सब कुछ हिंदी में तो बताए हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है When a new company is formed, मतलब जो amalgamation होगा इसमें एक नई कंपनी की स्थापना होगी, ठीक है। Purchase और takeover, या तो एक कंपनी दूसरे कंपनी को परचेज करेगी, या तो takeover का मतलब अपने अंदर में ले लेगी, अपने अंडर में ले लेगी। Of business, two or more executive company, दो या दो से अधिक कंपनी। When a existing company takeover किया जाएगा, द बिजनेस एनो अदर एग्जिस्टिंग कंपनी, मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या करेगी, टेक ओवर कर लेगी। इट इज शेड एमलगमेशन, जब दो या दो से अधिक कंपनियां मिलकर नई कंपनी की स्थापना कर दें तो उसे क्या बोला जाता है, एकीकरण। मैंने एग्जांपल बताया, बूढ़ा आइडिया अलग अलग थी, नई कंपनी का नाम BI हो गया,
ए कंपनी अलग थी, बी कंपनी अलग थी, नई कंपनी की स्थापना हो जाए तो सी। इसमें नई कंपनी की स्थापना होना, एस्टेब्लिशमेंट होना बहुत जरूरी होता है। ठीक भैया, तो सबसे पहले इसके लिखिए, इसके लिखिए आप लोग उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या होते हैं इसके। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव से मतलब होता है उद्देश्य, काहे लिए ऐसा किया जाता है, क्यों दूसरी कंपनी को अपनी कंपनी में लाया जाता है ना। पहला, प्रतिस्पर्धा में कमी, रिड्यूस ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन COMPTION कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन की स्पेलिंग पूरा लिखिए, COMPETITION कंपटीशन। देखो भैया, अलग अलग कंपनी होती हैं, एक ही तरह की बिजनेस करने वाली भी होती हैं, दोनों को मिला करके इकट्ठा कर लेती हैं, इससे कंपटीशन में कमी आ जाती है। ठीक है, बड़ी कंपनी भी बन जाती है, कंपटीशन में कमी आ जाती है। दूसरा लिखना है आपको, बड़े पैमाने पर उत्पादन, बड़े पैमाने पर उत्पादन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा, बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा, बड़े पैमाने पर मशीनरी आ जाएगी, बड़े पैमाने पर एम्प्लॉय हो जाएंगे, बड़े पैमाने पर कैपिटल हो जाएगी ना। उसके बाद आपको लिखना है, इंक्रीज इन गुडविल, इन गुडविल, ख्याति में वृद्धि। ख्याति का मतलब नाम हो जाएगा कि हमारे पास भी इतने कस्टमर हैं। पहले क्या होता है, पहले जियो वाले बताते थे हमारे पास इतने करोड़ कस्टमर हैं, वोडा वाले भी बताएंगे, आइडिया वाले भी बताएंगे, मिल गए सबके कस्टमर एक नहीं हो गए, मिलने के बाद मुकाबला कर रहे हैं उनसे, भले ना कर पाए लेकिन कुछ भी तो है दम। ठीक है, चौथा नंबर लिखना है, इन इंक्रीज कैपिटल। ठीक है, इंक्रीज कैपिटल क्या होता है, पूंजी में वृद्धि, पूंजी में वृद्धि, कैपिटल भी बढ़ जाएगी, पूंजी में भी वृद्धि हो जाएगी, बड़े पैमाने पर। ठीक है, उसके बाद फास्ट ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब वृद्धि, तेज वृद्धि, तेज का मतलब क्या होता है, फास्ट से काम होगा, फास्टिंग ग्रोथिंग होगी बिजनेस की। इंप्रूवमेंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, छठा नंबर ध्यान दीजिएगा, इंप्रूवमेंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, मतलब कि नियंत्रण एवं प्रबंध में सुधार होगा। नियंत्रण एवं प्रबंध में क्या होगा, सुधार होगा, इसको भी लिख लीजिएगा, दिख नहीं रहा हो तो नीचे चले जाइएगा। ऐसे आपको लिखना है, सेवेंथ, कंट्रोल ऑफ मार्केट, बाजार पर नियंत्रण हो जाएगा भैया, कंट्रोल कर लो मार्केट पे,
ना, कंट्रोल ऑफ मार्केट, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी, वितरण में सुविधा होगी, वितरण में क्या होगी, सुविधा होगी, इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद लिख लेना है आपको टैक्स बेनिफिट, 9 नंबर टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट में कहता है टैक्स बेनिफिट टर्न आउट, ठीक है, टैक्स बेनिफिट भी होता है इसमें। रिड्यूस इन एक्सपेंसेस, रिड्यूस इन एक्सपेंसेस, खर्च में कमी, खर्च बर्च भी कम होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। किसका खर्च कम होगा, बिजनेस का, जहां 2 मैनेजर थे वहां 1 मैनेजर हो जाएगा ना, जहां ज्यादा लोग उसी एरिया में अलग अलग कंपनी के काम करते थे कम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, इससे घाटे भी कुछ हैं, इसके कुछ डीमेरिट्स भी कुछ है, डीमेरिट भी लिख सकते हैं, उसको मेरिट भी मान सकते हैं, इसको डीमेरिट मतलब दोष कह सकते हैं। लिखना है इंक्रीज प्राइस, मूल्य में कमी, ओ वृद्धि, वस्तुओं के मूल्य में क्या होगी, वृद्धि होगी। जिसके सिम की बात करें, पहले 10-10 रुपये का सिम मिलता था ना, टाटा डोकोमो कंपनी चलती थी, बंद हो गई बेचारी, एयरसेल चलता था, यूनिनॉर चलता था, सब बंद हो गए ना, BSNL तो चलता ही है, BSNL तो बंद कराने के राजी हैं, लेकिन सरकारी अब क्या करें, ठीक है। उसके बाद डीमेरिट्स में आपको ध्यान देना है ओवर कैपिटलाइजेशन, जेशन, अति पूंजीकरण, यह क्या मतलब का होता है, नाम है ओवर, लेकिन एक काम होता है अंडर का, अंडर का मतलब क्या होता है, इसकी बिजनेस में ऊपर से कंपनी दिखती रहती है, इतने 1,00,000 करोड़ की है, इतने करोड़ की है, अंदर से खोखली रहती है अंदर से, ठीक है। कंट्रोल ऑफ सप्लाई, सप्लाई पर कंट्रोल होता है, पूर्ति पर नियंत्रण, महंगा करना है तो मार्केट में सप्लाई बंद कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट प्रॉब्लम भी आती है कभी कभी, अलग मैनेजमेंट प्रॉब्लम, प्रबंधकीय समस्याएं, प्रबंध में समस्याएं भी आती हैं कभी कभी, लोग सपोर्ट भी नहीं करते हैं, ठीक है। लोग का मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी के, लोग जलने लगते हैं आपस में, विवाद हो जाता है आपस में, ठीक भैया। छोटे बिजनेसमैन को नुकसान, लॉस ऑन रिटेल बिजनेसमैन लिख लो, 5वां नंबर लॉस ऑन रिटेल बिजनेस मैन, छोटे व्यवसायी को नुकसान हो जाता है, छोटे स्तर के तो व्यवसायी होते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है। बड़े बड़े लोग मिल जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां, छोटी कंपनियां, बेचारी हालत ख़राब हो जाएगी। इतना आप तैयार कर लेंगे, इसके बाद आपको हम बताएंगे टाइप्स ऑफ एमलगमेशन,
जो थ्योरी पहले तैयार होगी तभी न्यूमेरिकल लगा पाओगे, इतना मेन है पहले।